तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों वैसे तो आज आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का लेक्चर है वो 36वां लेक्चर है, यानी 36। इससे पहले 35 लेक्चर आपके मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पर आपको दे चुका हूं, जिसमें लगभग लगभग 900 से 1000 क्वेश्चन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के मिल चुके हैं। आज हम वैसे 36वां लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बुक है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के हम देते हैं, उसके अंदर हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उस बुक के आधार पर ये आपका हिंदी मीडियम का 11वां अभ्यास है। तो ये आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, और आपका स्टडी पोर्टल जो आपका अपना ये चैनल है, इसका ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों का हमेशा स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका ए, उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि। दोस्तों चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को आप क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सवनीम कहते हैं, इसे सवनीम। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, क्या कर सकता है? इसमें सृजनात्मक चिंतन के लिए ऐसे मित अवसर उपलब्ध कराने जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे पूर्णता की अपेक्षा करना जो है वो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर इस एक्टिविटी को निभाना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे? जब बच्चा कोई गलत उच्चारण करेगा तो आप उसको सही उच्चारण करना ही तो बताएंगे, ताकि वो आगे गलती ना करे। क्वेश्चन नंबर पांचवा, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, कौन सी एज में सीख लेते हैं? वो 4 वर्ष की आयु में अधिकांश जो बालक हैं वो अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बुनियादी सत्र पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। बुनियादी सत्र पर जो है वो मातृभाषा में शिक्षा देना ज्यादा बेहतर है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में यह सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, प्राइमरी सत्र पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों होता है? इसकी वजह क्या बताई है? इसकी वजह है, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, ठीक है, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में भी सुविधा रहेगी। ये दोनों ही ठीक हैं, तो आपका आंसर थर्ड रहेगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर आठवां, सूक्ष्म तथा अमोद प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करती है। सूक्ष्म तथा अमोद प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करती है, क्या करती है? किसके आधार पर यह क्वेश्चन रखा गया है? यह अमूर्त बुद्धि के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ, नौवां क्वेश्चन है ये, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, कितने शब्दों का? 6000 शब्दों का। क्वेश्चन नंबर आपका दसवां, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? वो 11 महीने की एज में आमतौर पर बोलना सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। भाषा विकास के विभिन्न अंग जो हैं वो अक्षर ज्ञान, ये भी होता है, सुनकर भाषा को समझना जो है वो ये भी होता है, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना ये भी होता है। तो इस आधार पर तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 12वां, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम आपको बताना है कौन सा होता है, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्द उच्चारण, या भाषा विकास की पूर्ण अवस्था आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, भाषा जो है वो स्वयं में एक नियमबद्ध अवस्था होती है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये आपका सत्य रहेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, भाषा सीखने तथा सिखाने का उद्देश्य आपको बताना है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना इसके सीखने और सिखाने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16वां, भाषा के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, व्यक्ति संसार की कोई भी भाषा अपना सकता है, सत्य है। भाषा का धर्म से संबंध नहीं होता, ये भी सत्य है। भाषा जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, ये नहीं रहेगा, और भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है, ये भी सत्य है। तो यहाँ असत्य जो शब्द है वो जो सेंटेंस है वो आपका सी वाला रहेगा, बाकी सब सत्य हैं। भाषा जन्म से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, जन्म के बाद व्यक्ति इन चीजों को सीखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा के अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 18वां, भाषा इनमें से किसका उपकरण है, भाषा जो है वो इनमें किसका उपकरण है, संपर्क का उपकरण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19वां, अक्षरों को पहचानने का कार्य बच्चे किस उम्र में करने लग जाते हैं, अक्षरों को पहचानने का कार्य बच्चे 4 वर्ष की उम्र में करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, जो भाषा जीवन के प्रथम चरण में सीखी जाती है उसे आप क्या कहेंगे या क्या कहते हैं, उसे आप मातृभाषा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां, अक्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 22वां, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य ये बताना है, भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता सत्य है, एक भाषा की कई बोलियां होती है ये भी सत्य है, भाषा अर्जित संपत्ति है ये भी सत्य है, दो भाषाओं में बोध गम्यता होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, ये वाटरमार्क हमारी बुक पे लगा हुआ है, इसमें हो सकता है कि थोड़ी समस्या आए बट ये क्लियर से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग कंटेंट को कॉपी करते हैं इधर उधर, मतलब अपने आधार पर उसको गलत करते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सेव करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है, कौन सी है जो भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा अर्जित की जाती है ये तो है, भाषा विविध रूप में होती ये भी है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है ये भी है, भाषा स्वतः स्फूर्ति है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, भाषा विकास बालक के प्रारंभिक वर्षों में किसका परिचायक है, किस चीज का परिचायक है, शारीरिक विकास का, बौद्धिक विकास का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तियों के मध्य अपने भाव विचार को प्रकट करने का सर्वोत्तम माध्यम बताया जाता है, सर्वोत्तम माध्यम बताया जाता है किसके द्वारा, मातृभाषा के द्वारा। क्वेश्चन किसके द्वारा, मातृभाषा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, मातृभाषा की आवश्यकता होती है, किस चीज के लिए होती है, भावना अभिव्यंजना के संदर्भ में, भाव प्रकाशन के संदर्भ में, मनोरंजन व आनंद ज्ञान के संदर्भ में, सभी के लिए जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा का स्वरूप होता है, भाषा का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का होता है, भाषा का स्वरूप भौतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बच्चा किस आयु में भाषा सीखना शुरू कर देता है, किस आयु में सीखना शुरू कर देता है, 12 से 18 महीने के बीच में। क्वेश्चन नंबर यानी 1 साल से 1.5 साल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 30, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है वो किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है नहीं, कक्षा जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये आपको यहां पर इसका आंसर रहेगा, यानी यहां पर इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आपका डी आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो ये दोस्तों आपके वैसे 36वें लेक्चर के, लेकिन किताब के आधार पर 11वें लेक्चर के आपके अध्याय के 30 क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे, कल आपका 37 वाला लेक्चर होगा, बुक के आधार पर देखेंगे तो अभ्यास नंबर 12 होगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखें और नोट्स बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।